हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल सो आज हम क्या करने जा रहे हैं यार आज हम सीखने जा रहे हैं व्हाट आर एक्चुअली द ब्लड ग्रुप्स और कैसे हम डिटरमाइन करते हैं और क्या क्या और कितने कितने टाइप के ये ब्लड ग्रुप्स हैं हमारे पास एंड कितने टाइप के रेयर हैं एंड डू आवर ब्लड ग्रुप्स यू नो रिप्रेजेंट अवर पर्सनैलिटी ऑल्सो क्या इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है सो सो मेनी थिंग्स वी हैव टू डिस्कस टुडे यार सो लेट अस जस्ट स्टार्ट आवर टूडेज टॉपिक दैट इज ब्लड ग्रुप्स सो बिफोर दैट एज यू यू कैन सी नो अगर आप देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो कितना परसेंट जो तो है अवेलेबल है हमारा यू नो पॉपुलेशन में एज यू कैन सी द ओ पॉजिटिव इज द मैक्सिमम थर्टी सेवन परसेंट एंड द ए पॉजिटिव इज थर्टी फाइव परसेंट

मिरा हमारा बहुत ही प्यारा सा प्लेटफॉर्म है वेदांतों का वेव प्लेटफॉर्म जिसमें आपको क्या मिलता है क्या मिलता है वेव से वन टू वन इंटरेक्शन विद द टीचर जैसे आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं ना मैं आपसे डायरेक्टली बात कर सकती हूँ थ्रू ऑडियो थ्रू वीडियो बाय एनी मीन्स इन क्लास डाउट सॉल्विंग होती है आपकी बाय द मास्टर टीचर और द क्लास टीचर्स जो आपकी हमारे एक टीम जो है टीचर्स की बैठती है पीछे सो यू कैन यू नो टेक द हेल्प फ्रॉम दैट फ्रॉम एज वेल ओन ऐप असिस्टेंस टू सोल्व एनी क्वेरी एनी टाइम वी प्रोमिस हम अपनी आपकी परफॉर्मेंस का पूरा हंड्रेड परसेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, लेते हैं टू मेक योर यू नो परफॉर्मेंस इम्प्रूव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड बेस्ट टीचर्स एंड बेस्ट स्टडी मटीरियल या सो इस तरह का इंटरफेस होता है बेटा यहाँ पे आपको टीचर की फोटो दिखती है ये चार्टॉक्स है जो कि आप टीचर को ही दिखता है ये चार्टॉक्स इफी शी अलव इट एंड देन दिस इज द स्क्रीन विच आर गोइंग टू सी राइट सो so, क्या क्या मिलता है आपको वे प्लेटफॉर्म में देखिए बच्चा 3D आपको कंटेंट मिलता है एंड दिस इज हाउ यू स्टडी एंड मेनी लीडर बोर्ड्स मेनी क्वेश्चन हर एक सेशन में आपको जो है यू नो इट्स काइंड ऑफ अ अंटी क्विजेज यू विल बी फाइंडिंग आउट देयर एंड लीडर बोर्ड्स आल्सो राइट सो इफ यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वे प्लेटफॉर्म अगर आप क्लास ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं टर्म वन की तैयारी कर रहे हैं इट इज़ वेरी ईजी गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ये आपको लिंक वहीं पर मिल जाएगा अदरवाइज यू कैन टेक इट फ्रॉम ह्यो एंड यू कैन गेट द यू नो दीज थिंग्स इन योर कोर्स जैसे रिविजन कोर्स है क्रैश कोर्स है स्कूल एग्जाम का प्रिपरेशन है टॉपिक स्पेसिफिक शॉर्ट कोर्सेज है एंड सो मेनी थिंग्स आर दर राइट देखें बेटा बाकी हमारे दीज टू आर द प्लान यू नो द लाइट प्लान एंड द क्लासिक प्लान दिस इज़ फॉर सिक्स थ्री जीरो जीरो सेवन थाउजेंड में है ये सो लेट सी आफ्टर डिस्काउंट हाउ मेनी हाउ मच यू नो अमाउंट यू हैव टू पे तो देखो बेटा इसमें क्या क्या मिलता है इसमें आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलती हैं टेस्ट सीरीज मिलती हैं एंड एनालिसिस मिलता है असाइनमेंट्स एंड नोट्स मिलते हैं डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग द क्लास एंड नोट्स आपको मिलते हैं एंड ऑन द मोबाइल ऐप मोबाइल ऐप के लिए ऐप के लिए बेटा आपको क्लासिक जो है वो चूज करना पड़ेगा बट द गुड न्यूज इज इवन फॉर क्लासिक क्लासिकल्सो यू कैन टेक इट इन सिक्स आपको सिर्फ बेटा कूपन कोड अप्लाई करना है एम एस प्रो राइट right? लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया उस लिंक में आगे क्लासिक लिखा होगा इस लिंक में आगे लाइट लिखा होगा राइट सो दिस इज योर लाइट कोर्स 6300 में है बेटा ये एंड क्लासिक में तो आई वुड सजेस्ट कि आप क्लासिक की तरफ जाओ बिकॉज दिस इज फॉर वन मंथ आपको ट्रायल बेसिस पे यू नो इट विल बी गिवन टू यू सो गिव इट अ ट्राई अगर ट्राई देना ही है तो वाई नॉट फॉर क्लासिक वेयर यू आर गेटिंग द एक्सेस ऑन द डाउट एप फॉर द होल यू नो मंथ पूरा मंथ है ना पूरा दिन आपको मिलता है सिक्स थ्री जीरो जीरो में बट यू हैव टू अप्लाई वन कोड दैट इज़ एम एस प्रो ठीक है बच्चे तो एम एस प्रो आपको कूपन कोड जो है वो अप्लाई करना है डिस्काउंट so सारे के सारे लिंक्स जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं बेटा एंड वट एवर कोर्स यू वॉन्ट टू चूज यू कैन चूज इट फ्रॉम दैथ ओके आज की स्लाइड्स बनाइए मोहम्मद बाशि सर ने बाशि के लिए तालियाँ सो so लेट एस जो स्टार्ट बेटा हमारा आज का टॉपिक है दैट इज ब्लड ग्रुप्स सो देखिये बेटा ब्लड ग्रुप्स में क्या क्या है सो so, सबसे पहले टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स के कितने टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स हमारे पास अवेलेबल हैं आई थिंक यू नो इन इन जनरल वे यू ऑल नो कि मैम ए बी ए बी एंड ओ बट यू नो देर आर पॉजिटिव इन नेगेटिव ऑल्सो लेट एस जैस सी देम एंड लेट सी देर परसेंटेज ऑल्सो आई थिंक यू कैन सी हेयर तो सबसे ऊपर है हमारा बेटा ओ पॉजिटिव एंड आई मस्ट टेल यू यू हैव मस्ट हैव ऑब्जर्व इट ऑल्सो सो सबसे ज्यादा मिलने वाला और सबसे कम मिलने वाला जो ब्लड ग्रुप्स है सो यू कैन यू सी यू नो विच कैटेगरी ऑफ फॉलो इन सो ओ पॉजिटिव सबसे पहला ब्लड ग्रुप है बेटा उसको वो है आपका फोर्टी सेवन परसेंट है uh, या फिर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन कुछ भी यू नो इट नंबर वेरीज द कैलकुलेशन बट इट जस्ट ए जनरल फिगर विच हैिवन हेयर ए पॉजिटिव आपका है उसके बाद थर्टी सिक्स परसेंट है बी पॉजिटिव है आपका नाइन ओ नेगेटिव है एट परसेंट ए नेगेटिव फाइव बी नेगेटिव टू ए बी पॉजिटिव टू एंड आपका ए बी नेगेटिव है सबसे मिनिमम है राइट सो एज यू कैन सी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स हैं राइट बिकॉज फोर पॉजिटिव एंड फोर नेगेटिव ए बी ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप्स राइट बच्चे सो लेट अस जस्ट स्टार्ट वन बाय वन दैट हाउ डू वी डिसाइड कि यार ये इसको पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट एंड दूसरा दूसरी बात ये है दैट वाई एंड यू नो वाई एंड हाउ दे आर यू नो बिकमिंग ए ब्लड ग्रुप ऑनली और बी ब्लड ग्रुप ऑनली कैसे बन रहे हैं ठीक है तो so, सबसे पहले बेटा हम लोग लेंगे ए ब्लड ग्रुप क्या लेंगे हम लोग ए ब्लड ग्रुप लेंगे राइट right? सो so, यहाँ पे अपने क्या कर रहे हैं आई सप्लाई ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू दिश्यूज बट यू नो दैट देर लॉट अदर थिंग्स ऑल्सो न्यूट्रिय ऑल्सो हॉर्मोन्स ऑल्सो है ना कितना कुछ हो ट्रांसपोर्ट करता है बट आर मे गैसेज भी दो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड राइट ओके ओके देन फनी क्वेश्चन वाई देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स सो इन दिसंग ओके सो दैट मॉस्कीटोज कैन हैव द डिफरेंट फ्लेवर ऑफ द ब्लड हाँ ऐसा लगता है कि आपको हाँ आई एम श्योर यू गैस नो इट ऑलरेडी आंसर आई ऑफकोर्स मैम नॉट वाट आर यू वन टॉकिंग अबाउट हाँ क्या ठीक है क्यूलैक्स मॉस्किटो को ना बी पॉजिटिव अच्छा लगता है एनोफ्लीस को मैम ए पॉजिटिव बढ़िया है मैम उसको ए डीज मॉस्किटो को है ना बी नेगेटिव ही अच्छा लगता है

वट एग्जैक्टली आर दे एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या मतलब है सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो यू मस्ट हैर्ड अबाउट इट की एंटीजन है ना बाजी की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको दैट फॉरन मटीरियल बट ये ऐसा एंटीजन है जो हमारा है सो हमारी बॉडी के लिए फॉरन नहीं है राइट एंटीबॉडी जो है वो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होगी आपको पता है ना ब्लड ब्लड के दो पार्ट है राइट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ब्लड एक इसके दो पार्ट है बेटा एक होता है इसका प्लाज्मा विच इज अ फ्लूड पार्ट आई नो यू ऑल नो इट ऑलरेडी बट आई एम जस्ट मेकिंग यू रिवाइज वंस अगेन फ्लूड पार्ट होता है और एक होते हैं बेटे इसके फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ना फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं इसके जिसमें कि आपके तीन आपके आरबीसी बी डब्ल्यू बी सी एंड प्लेटलेट्स आते हैं राइट सो क्विक रिविजन सेल्समाइन करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है राइट सो यू सी द ब्लड हैजू यू नो मेन ग्रुप और इसमें आपके फॉर्म uh, एलिमेंट्स में भी तीन तरह के सेल्स हैं आर बी सी डब्ल्यू बी सी एंड प्लेटलेट्स सो दीज आर आर बी सी जो आप के बताएंगे कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है सो so, हमारे काम की जो चीज है वो है, so, है? आरबीसी बनती है प्लाज्मा so, प्लाज्मा मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपका ब्लड ग्रुप बताने में राइट आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा अभी तक राइट सो बेसिकली इट जस्ट लाइक एग्जांपल आल्सो दैट व्हाट हैपेंस इज हमने चाय बनाई है ना सबने चाय चाय में क्या है? चाय और चाय पत्ती राइट right? सो so, चाय को यू नो टेकिंग अ स्ट्रेनर है ना वो छन्नी कहता है जिसको तो हम तो वो डाल रहे हो उसमें चाय डाली तुमने तो जो चाय पत्ती ऊपर छन्नी में बच गई ना स्ट्रेनर में दैट इज फॉर्मड एलिमेंट्स हाँ सो आर बी सी डब्ल्यू बी टी सी प्लेटलेट्स आर द चाय पत्ती एंड वॉट इज द चाय दैट इज अ प्लाज्मा सो द प्लाज्मा विल बी कैरिंग द एंटीबॉडी एंटीबॉडी आपको पता है व्हाट इज दैट एंटीबॉडी एंटीबॉडी हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का एक बहुत बड़ा पार्ट है इम्यूनोग्लोब्यूलेंट्स क्या बोला तो इम्यूनोग्लोब एंड एंटीजन जो है दैट इज प्रेजेंट अच्छा क्वेश्चन विच कम्स अप हियर इज दैट यार ये जो हमारा ब्लड ग्रुप है ये एंटीजन बताता है या एंटीबॉडी बताता है वट यू थिंक द आंसर इज क्लियर हेयर आपका एंटीजन बताता है एंटीबॉडी विल बी डिफरेंट एंटीबॉडी उसे उल्टा होगा अब देखो यहां पे कैसे है अब आई थिंक ये आपको सबको पता चल गया होगा लेट अस जस्ट ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ आरबीसी तो बेटा ये है आपका आरबीसी ठीक है अब आरबीसी के ऊपर यहाँ पे ऐसे ऐसे करके त्रिशूल टाइप ऐसे बने हुए हैं ये सो वॉट आर दीज दीज आर योर एंटीजन क्या बोला तो एंटीजन अगर ये ब्लड ग्रुप ए है तो यहां पे ए एंटीजन है ए ए ए एंड ए एंटीजन राइट सो दीजन ऑन योर आरबीसी नाउ वेयर वुड बी द एंटीबॉडी प्रेजेंट वो आपकी प्रेजेंट होगी प्लाज्मा एंड यूनो प्लाज्मा प्लाज्मा इज द फ्लूड पार्ट बताया था मैं आपको प्लाज्मा क्या है फ्लूड पार्ट है ब्लड का ठीक है चाय राइट सो एंटीबॉडी होगी आपकी प्लाज्मा लाइक like सपोज यहाँ ना यहाँ पे एक आरबीसी और है यहां पे एक आरबीसी और है यहाँ पे एक आरबीसी कलर यहां पे आपका है प्लाज्मा एंड इनसाइड द प्लाज्मा योर एंटीबॉडी बी इज प्रेजेंट नाउ यू सी अब ये एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है और एंटीजन ए प्रेजेंट है एंड यू नो एंटीजन एंड एंटीबॉडीज आर वेरी स्पेसिफिक लाइक लॉक इंड की क्या ताले और चाबी की तरह जैसे न, है ना एंटीजन ए है ना और एंटीबॉडी ए है ना तो वो एकदम फिट हो जाएगा एक दूसरे में बट हमको तो फायदा है है ना दैट इज वाई नेचर ने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि यहां पे एंटीजन ए है लेकिन एंटीबॉडी ए नहीं डाला क्या डाला एंटीबॉडी बी सो दैट दे डू नॉट कम टूगेदर क्लम्प टूगेदर एंड क्विट क्वॉगुलेशन नहीं होना चाहिए प्रेसिपिटेशन जिसको हम कहते हैं ना जैसे क्लम्प सा बन जाता है तो दैट इज वाई एंटीबॉडी भी मजे से अपना घूम रही है यार प्लाज्मा में मजे से एकदम चिल्लो के ठीक है और एंटीजन अपना ए मजे से बैठा हुआ है बिकॉज दे डू नॉट है ना वाई बिकॉज देर इज अ चेंज इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ देम मॉर्फोलॉजी बोले तो क्या स्ट्रक्चर में चेंज है लाइक like, सपोज अगर मैंने इसका है ना त्रिशूल टाइप से बना दिया है, है ना देखो लाइक like, इसका एंटीजन का जो है ना वो अगर ऐसे सी शेप्ड है तो इसकी जो एंटीबॉडी भी है ना इसका शेप होता क्या होगा वाई शेप्ड तो वाई शेप्ड और सी शेप तो मिल नहीं सकता ना अपने में राइट सो दैट इज वाई दे एंजॉय बींग देयर एंड दे डू नॉट हिंडर विद ईच अदर सो आराम से कोई कॉगिलेशन नहीं होता है बड़े मजे से ये यहाँ पे काम अपना करता रहता है सो सुज टू क्वेश्चन कम्स अप फ्रॉम द एयर इज वट डिटर्मिंड योर ब्लड ग्रुप इट्स एंटीजन वेर एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ योर आर बी सी नॉट डब्ल्यू बी सी नॉट प्लेटलेट नॉट प्लाज्मा प्लाज्मा में आपकी एंटीबॉडी है कौन सी एंटीबॉडी बी हमेशा ऑपोजिट होती है हमेशा ऑपोजिट अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा एंड वाइस वर्सा कैसे वाइस वर्सा वी विल सी अबाउट दैट चलो आ जाओ ओके सो हैप्पी ए ब्लड ग्रुप है ना एंड एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी इन प्लाज्मा टू क्वेश्चन नेक्स्ट अब बात करते हैं बेटा बी ब्लड ग्रुप की तो मैंने आपको बताया वाइस वर्सा नाउ बाय नाउ आपको एक चीज का तो पता चल गया है यार कि जो आपका एंटीजन है वो कहां लोकेटेड है कहाँ लोकेटेड है आरबीसी पे सो लेट अस जस्ट ड्रा आरबीसी है ना आरबीसी को ड्रा किया और हमने उसका शेप जो है वो चेंज कर देते हैं सो so दैट आपको इजी रहे ठीक है सो लेट अस जस्ट सपोज कि इसका जो शेप था वो वाई है है ना वाई है ऐसे करके तो ये सारे क्या आपके कौन से एंटीजेन्स हैं आपके ये एंटीजेन्स हैं बी एंटीजेन्स है ना बिकॉज़ बी ब्लड ग्रुप सो बी एंटीजेन्स as simple as that राइट नाउ इन द प्लाज्मा ऑफ दिस पर्सन व्हाट विल हैपन हियर आपका बेटा एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट है एंटीबॉडी ए अभी कैसे तो देखो यहां पे एंटीबॉडी लेट मी द कलर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है और आपको पता है एंटीबॉडी ए का शेप कैसा होगा राइट लेट लड़ेज जस्ट फाइंड आउट दैट लपोज की इसका सी शेप है इस तरीके से होता है दैट इज वाई बी ब्लड ग्रुप वाले या बी एंटीजन वाले अपनी प्लाज्मा तो क्या लेके घूमते हैं एंटीबॉडी ए ताकि दोनों एक दूसरे से कंबाइन नो कोगुलेशन अदरवाइज अगर इफ सपोज सपोज टू दिस ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप को अगर हमने ए ब्लड ग्रुप जो है वो दे दिया तो ए ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी थी बी एंटीबॉडी तो इसका और उसका शेप है ना बी एंटीबॉडी की जो शेप है वो ऐसे थी तो अगर ऐसे ये कंबाइन कर गया अब तो प्रॉब्लम हो गया कोगुलेशन विल हैपन द पर्सन विल डाई राइट यू गेटिंग माय पॉइंट

इट्स सिंपल इज दैट ठीक है सो ये आपका है बेटा एंटी जन बी एंड एंटीबॉडी ए कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ बी आई थिंक बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि कहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है एंटीजन ऑन आर बी सी एंटीबॉडी इन प्लाज्मा यू गॉट दैट ठीक है एंड वाई दे आर नॉट कम्बाइंड बट दर इज अट्रक्चरल डिफरेंस देर स्पेसिफिक एंटीजन ए एंटीबॉडी बी विल कंबाइन

ठीक है समझ में आ गया सबको सो दैट इज योर ब्लड ग्रुप बी गाइस लेट अस जस्ट मूव अहेड द थर्ड टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप है ना बिल्कुल यू नो दिस इज अ केस ऑफ को डोमेंस है ना आपने पढ़ा होगा अपने जेनेटिक्स में को डोमिन मीन्स वेर टू ऑफ द एलील्स आर डोमिनेंट टू ऑफ देम दैट्स व्हाई दे को ये आपका केस है को डोमिनंस का राइट right? वेयर एक भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है दूसरा भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है सो लेट अस जस्ट फाइंड आउट इसका क्या केस है

So so A, B, A, B, A, B, प्रेजेंट है बट इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है नो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा ठीक है नो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा राइट अब देखो एंटीबॉडी प्रेजेंट भी कैसे हो सकती है अगर सपोज एंटीबॉडी प्रेजेंट है तब भी प्रॉब्लम है अगर बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है तब भी प्रॉब्लम है बिकॉज दोनों ही कंबाइन करेगी यहाँ पे लुक इन दैट हाउ डिफिकल्टज दैट ठीक है तो ये तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता अच्छा स्टडीज़ ये कहती हैं स्टडीज ये कहती हैं कि दीज पीपल ये जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं ये थोड़ा ज़्यादा बीमार पड़ते हैं रीजन लुक एट दैट क्योंकि इनमें कोई एंटीबॉडी नहीं है बट इट इज़ अ इट्स नॉट वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा कुछ नहीं है अगर आप अच्छा खाते पीते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे बट इट इज जस्ट अ फैक्ट कि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है दैट इज बाय बट इनको फायदा क्या है दैट दे कैन टेक द ब्लड फ्रॉम एनी वन बिकॉज आर नॉट हैविंग एनी एंटीबॉडी तो ए भी बी भी ओ भी सबसे ले लेते हैं यूनिवर्सल रेसिपियंट ए बी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपियंट कहीं से भी ले लेता है इनफैक्ट ए बी पॉजिटिव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक राइट अच्छा लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा जेनरस ब्लड ग्रुप जिसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं ओ नेगेटिव हा ओ नेगेटिव को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या फंडा है दैट आई विल आल्सो एक्सप्लेन वंस अगेन तो देखो यार एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी इज नन तो इनके आरबीसी बनाए no. इसमें। तो कोई एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी एंटीबॉडी भाई दोनों प्रेजेंट ए भी और एंटीबॉडी बी भी तो ऐसा मानते हैं स्टडीज क्या कहती होंगी फिर ये लोग थोड़ा कम बीमार पड़ते हैं बट ऐसा आई डोंट नो हाउ मच बिकॉज आई ओ तो मुझे बताना कॉमेंट बॉक्स में लिख के ऐसा है क्या ठीक है सो so, क्या बोला मैंने आपका ए एंटीजन सॉरी एंटीबॉडी भी है और बी एंटीबॉडी भी है कहां पे प्लाज्मा में एंटीबॉडी हमेशा प्लाज्मा में प्रेजेंट होगी याद रखना इस बात को ठीक है सो नो एंटीजन एंड एंटीबॉडी क्लियर अभी तक क्लियर हो गया सबको सो ए बी में दोनों एंटीजन नो एंटीबॉडी ओ ब्लड ग्रुप में ओ मतलब नथिंग ओ नॉट नथिंग नॉट एन ए यू जी एच टी नॉट सो नथिंग सो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा दोनों प्रेजेंट है करेक्ट अच्छा अब इसके बाद में यार बात करते हैं कि आ, अच्छा वाई एंड हु ब्लड ग्रुप फॉर द फर्स्ट टाइम अब ब्लड ग्रुप्स डिस्कवर किए थे पहली बार लैंड स्टीनर और वीनर ने टू साइंटिस्ट वर्कड ऑन देम उसके पहले पता ही नहीं होता था कि क्या है कैसे है फिर जब ये पता चला तो कितना देखो कितना हेल्प हुई होगी

एंड यू नो दॉ वर्किंग ऑन दिखा कि अरे यार ना ए बी वाला भी ए वाला भी नहीं है एंटीजन उसमें बी भी नहीं हैंकी ब्लड तो उन्होंने देखा अरे यार दूसरे वाले पे पे नहीं लेकिन मंकीज एंड यू सॉ अच्छा यार कुछ तो नहीं चीज़ है सो दैट्स वाई यू नो बिकॉज इट वॉज डिराइव्ड फ्राम रीसस मंकी तो इट वॉज गिवन नेम आर इच फैक्टर

तो देखो यार यहाँ पे जहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव है यू कैन सी दीज थिंग्स है ना ये देखो ऑरेंज चीजें आपको दिख रही है ऐसे करके so, so, सो जिस देच जिस फैक्टर प्रेजेंट था जिस ग्लाइको प्रोटीन वॉज प्रेजेंट हमने बोला कि यार ये आर एच पॉजिटिव है जिसमें नहीं प्रेजेंट है ये आर एच नेगेटिव है राइट सो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव देन आफ्टर दैट ए नेगेटिव बी नेगेटिव ए बी नेगेटिव एंड ओ नेटिव जिसमें नहीं है वो ओ नेगेटिव बट एटी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन अस्सी प्रतिशत जनता में हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव ही है ट्वेंटी परसेंट हैजगेटिव ब्लड ग्रुप है ना यही है ना राइट right? चलो वेरी गुड So, let us just see next may bita ki. Acha, ek aur hai that you know you need to know. There is a medically incompatible marriage. And according to doctor, ek jo marriage hai, wo medically incompatible hai. Which marriage is that? If the husband is RH positive, right? And the mother is, uh, the wife is RH negative. okay? If the male is RH positive and the female is, एच नेगेटिव। तो देखिए बेटा अगर क्या होगा इनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में विल बी नो एनी यू नो डिफिकल्टी सो बेटा दिस दिस मैरिज इज कंसिडर्ड टू बी मेडिकली इनकम्पैटिबल मैरिज तो देखो बेटा व्हाई? बिकॉज इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी दे वोट भी एनी प्रॉब्लम है ना पहली प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बट इन द सेकेंड प्रेगनेंसी दैट वुट बी अ प्रॉब्लम वाई बिकॉज लेटा जस्ट सपोज यू नो द प पर्सन द यू नो दिज कपल इज गोइंग टू हैव अ चाइल्ड और उसमें आपका ब्लड ग्रुप आ गया आर एच सो ड्यूरिंग दू नो जेस्टेशन पीरियड में इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन जैसे ही यू नो द पार्थन विल हैपन यू नो दैट दैट टाइम द फीटल ब्लड एंड द मदर्स विल कम इन कॉन्टैक्ट एंड एज सून एज द मदर ब्लड विल कम इन कॉन्टैक्ट तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी मदर्स uh, की बॉडी में द फर्स्ट प्रेगनेंसी वुल वॉन्ट बी अर प्रॉब्लम द सेकेंड प्रेग्नेंसी विल बी आर प्रॉब्लम right so fetus won't be able to survive in the mother mother's womb during the second pregnancy and this condition is known as erythroblastosis fetalis i will write it here Kya bolte hai esko, beta? erythroblastosis fetalis hmm? erythroblastosis fetalis so see beta uh, you know in biology it is very easy to find out the मीनिंग ऑफ दिथ्स इी थ्रू मीन्स आर बी सीज ब्लास्टिस मीन्स ब्लास्ट हो जाना एंड फीटलिस मीन्स फीटस के आर बी सीज जो हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं सो इट्स लाइक दैट सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है एंड दिस थ्रू ब्लास्टिस फीटलिस इज़ यू नो इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिशन पॉइंट ऑफ व्यू सो प्लीज़ कीप इन माइंड हाँ ओके सो दिस इज द कंसाइज आपको एक बिल्कुल कंसाइज वे में बेटा एक रिकैप uh, हम लोग कर लेते हैं एंड आई आई होप अभी तक आपको पता चल गया है सो so, आपका ग्रुप ए ब्लड ग्रुप ए जो है इसमें एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है ठीक है और एंटीजन कौन सा ए प्रेजेंट है तो तो ए ब्लड ग्रुप ए एंटीजन बी एंटीबॉडी बी ब्लड ग्रुप आपका बी एंटीजन लेकिन एंटीबॉडी ए नाउ ऑन द अदर हैंड ग्रुप ए बी कोई भी आपकी जो एंटीबॉडी है नथिंग नो एंटीबॉडी एंड ए एंड बी एंटीजन दैट ग्रुप ओ दोनों एंटीबॉडी है लेकिन कोई एंटीजन नहीं है सो आई जस्ट लुक ना आप इसमें एक, एक वो ले लीजिए इसका स्क्रीन ले लीजिए राइट ओके ना ब्लड कंपैटिबिलिटी कौन जो ब्लड ग्रुप है किसको डोनेट कर सकता है और किससे जो है ब्लड ले सकता है सो लेट अस जस्ट फाइंड आउट दैट आई होप आपको पहले से पता भी है ये बिकॉज दर आर टू थिंग्स यू नो ओ ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव इज नोन टू बी यूनिवर्सल यूनिवर्सल डोनर एंड पॉजिटिव इज यूनिवर्सलिवर्सलियंट ठीक है चलो आई लेट जस्ट फाइंड आउट कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स और हो सकते हैं सो ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव ऐसे है ना ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है इट गिव्स टू ऑल द ग्रुप्स ठीक है लेकिन रिसीव्स ओनली फ्रॉम ओ नेगेटिव हा देन ओ पॉजिटिव सबको दे सकता है ए बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव लेकिन को नहीं दे सकता एंड कैन रिसीव फ्रॉम ओ नेगेटिव एंड ओ पॉजिटिव राइट ए नेगेटिव ए बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव ए नेगेटिव ओ एंड ए है ना इनसे ये क्या कर सकता है ले सकता है देन ए पॉजिटिव गिव्स टू ए बी पॉजिटिव एंड ए पॉजिटिव ठीक है बेटा एंड किससे ये ले सकता है आपका ओ नेगेटिव से ओ पॉजिटिव से ए नेगेटिव से एंड ए पॉजिटिव से दे तो बेसिकली ओ एंड ए राइट देन आफ्टर दैट वी हैव बी 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 नेगेटिव 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 सो पॉजिटिव पॉजिटिव ए ए ए बेसिकली एंड को ये डोनेट कर सकता है एंड किससे ले सकता है ओ एंड बी से ले सकता है नेगेटिव देन बी पॉजिटिव एंड ए बी पॉजिटिव कैन गिव टू दिस रिसीव फ्रॉम ओ एंड बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव देन ए बी नेगेटिव ए बी नेगेटिव एंड ए बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है बेटा एंड रिसीव्स देखो ये तो यूनिवर्सल रेसिपियंट ठीक है सो ए बी प्लस ऑनली दे सकता है लेकिन ले सबसे सकता है ऑल राइट सो दीज आर कंपैटिबिलिटीज ऑफ द ब्लड ग्रुप्स ठीक है सो इट्स ब्लड कंपैटिबिलिटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान log uh, you know, we can donate to these and we can receive from these. Okay? Okay. So I am O negative. I have a very big heart. So I give it you know, the blood to all of you. Huh? Yes. So, write in the comment box, huh, If you are O negative, write O negative. I have a big heart. So you know, I a heart for a smiley. Anyways. सो यार ये ये ना दिस इज दिस इज द फन फैक्ट प्लीज प्लीज डोंट टेक इट टू सीरियसली प्लीज़ हाँ मैं आपको पहले ही बता दे डिस्क्लेमर है इट इज अ फन फैक्ट मुझे अच्छा लगा तो वी थॉट कि लेट्स जस्ट पुट इट अप कि कैसे कैसे होते हैं है ना सो ब्लड ग्रुप्स के कैरेक्टर्स नॉट साइंटिफिकली प्रूवड आई एम टेलिंग यू है ना जस्ट अ फन फैक्ट सो ए पॉजिटिव एस रिसर्च ने माना फन फैक्ट ए पॉजिटिव हैज द गुड लीडरशिप स्किल्स ए नेगेटिव हैज आर लाइक हार्ड वर्किंग वेरी मच बी पॉजिटिव कैन सेक्रीफाइस फॉर अदर्स हाँ गेटिव फ्लेक्सीबल एंड सिंसेयर ए ए बी पॉजिटिव बॉन्ड टू हेल्प ए बी नेगेटिव स्मार्ट एंड कूल ओके ओ पॉजिटिव वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इज इट ओ नेगेटिव शार्प एंड इंटेलिजेंट सो कॉमेंट मेरे फिर से फिर से कॉमेंट में डाल लो यहाँ पे दैट वट काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप यू आर एंड इज इट मैचिंग विद यूर पर्सनैलिटी या फिर ऐसे बताऊंगी मैम आपने जस्टिस नहीं किया ये इन्फॉर्मेशन आपकी सही नहीं है या फिर मैम आपकी इन्फॉर्मेशन सही है सो आई वी लाइक द सेकेंड वन ओके सो दैट इज देयर एंड जस्ट यू नो फैक्ट सो यू आर समिंग अप ग्रुप्स बट यू ऑल हैव टू बी यूनाइटेड ना ए ए बी एंड ओ ब्लड इज गिविंग यू अप इन्फॉर्मेशन और है ना आपको सजेशन दे रहा है एनी वेज सो समिंग अप गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर दिस यू नो फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू हैव लॉन्ट वेल और काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको आते हैं द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो दैट हाउ यू नो द जैसे क्रॉस होते हैं ना इत द मैन मैरिज टू लाइक यू नो ए ब्लड ग्रुप मैरिज टू बी ब्लड ग्रुप सो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी सो दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो सो दैट यू जस्ट ऑल द क्वेश्चन स्टे सेफ सो बिफोर गोइंग यार वी हैव दिस वंडरफुल क्रैश कोर्स फॉर टर्म वन सी बी एस सी टर्म वन एंड प्लीज गो थ्रू दैट इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है ऑल ऑफ द थिंग्स यू विल गेट फॉर टर्म वन सी बी एस सी प्रिपरेशन देन आफ्टर दैट आप बेटा नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दोनों ही आपके सिक्स थ्री जीरो जीरो में आपको मिल रहे हैं जिसमें आपको लाइव इंटर एक्टिव क्लासेज मिलेंगी टेस्ट सीरीज अनालिस असाइनमेंट नोट डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग द क्लास डाउट सोल्विंग ऑन द मोबाइल ऑफ एवरीथिंग यू विल गेट जस्ट इन सिक्स थ्री जीरो जीरो रूपीज ठीक है आपको खाली एक कूपन कोड अप्लाई करना है दैट इज एम एस प्रो आपको एक एम एस प्रो जो है कूपन कोड अप्लाई करना है एंड आई विल सजेस्ट दैट यू गो फॉर क्लासिक ठीक है जिसमें आपको एक डाउट सॉल्विंग जो ऐप है वो भी मिलती है राइट right? जिसमें आप कभी भी अपना डाउट पोस्ट करोगे इट विल बी आंसर्ड ठीक है बेटा बट डोंट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड एम एस प्रो आपको सारे के सारे डिस्काउंट ए कूपन कोड लगा के ही मिलेंगे ये आपका जो लिंक है इन सब के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जो वीडियो चल रही है प्लीज गो थ्रू दैट एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना दिस टेलीग्राम ग्रुप इसको भी नहीं ज्वाइन किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लेना एंड वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना है ठीक है सो लाइक द वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल नेक्स्ट वीडियो थैंक यू वेरी मच